हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपके साथ समर। दोस्तों, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की जरूरत होती है। इन्हीं में से एक है विटामिन के, जो हड्डियों के विकास को बढ़ावा देने, घाव भरने, दिल को स्वस्थ रखने और कैंसर से बचाव करने में अहम भूमिका निभाता है। शरीर में विटामिन के की कमी के कारण कई तरह की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, जिससे खून का थक्का नहीं जम पाता है और छोटी सी चोट के बाद भी ब्लीडिंग होने लगती है। विटामिन के की कमी के कारण नाक, दांत, मसूड़ों, पेशाब और मल से खून आने की समस्या भी हो सकती है। इस विटामिन की कमी से शरीर के कई अंग खोखले हो सकते हैं। इसके कारण हड्डियां, दिल, दिमाग, पैक्रियाज और लीवर जैसे अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं। आज इस वीडियो के जरिए हम आपको विटामिन के की कमी के लक्षण और इसकी कमी को पूरा करने वाले फूड्स के बारे में बताने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये आपके और आपके परिवार के लिए बेहद खास होने वाली है और आप जान जाएंगे कि विटामिन के की कमी के कारण हमें किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है। दोस्तों, विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए आपको अपनी डाइट में कुछ फूड्स को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आपको पालक जैसे सरसों, ब्रोकली, बीन्स, बथुआ, मेथी, हरी पत्तेदार सब्जियां, पत्ता गोभी, मूली, चुकंदर, लाल मिर्च, काजू, कीवी, अनार, सेब, एवोकाडो, केला, अंकुरित अनाज, दूध, अंडे, पनीर और मछली का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही आप चाहें तो डॉक्टर की सलाह पर दवाइयां या सप्लीमेंट भी खा सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। दोस्तों, शरीर में दिख रहे विटामिन के की कमी के इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसकी कमी को पूरा करने के लिए आपको डाइट में जरूरी बदलाव करने चाहिए। साथ ही दोस्तों, अत्यधिक ब्लीडिंग या किसी भी तरह की समस्या महसूस होने पर आपको डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए। तो दोस्तों, आप बखूबी जान गए होंगे कि विटामिन के की कमी को पूरा करने के लिए आपको कौन से फूड्स का इस्तेमाल करना है और कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखना है। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा बने रहना है मेडिकल इन स्पीकिंग के साथ। शुक्रिया।